जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन जो हम वीडियोस हैं वो बना के लाते रहते हैं। आज हमने बात करनी है कि जो नींद का साइकिल है या जो अच्छी नींद है वो फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है या नहीं करती, और अगर अफेक्ट करती है तो किस तरह से अफेक्ट करती है। जो नींद की क्वालिटी है, अगर देखा जाए तो नॉर्मली एक जो हेल्दी एडल्ट होता है उसके लिए 7 से 8 घंटे नींद जो होती है वो ज़रूरी होती है, अगर वो एक बिजी शेड्यूल रन करता है। अगर वो मेंटल उसकी कैपेबिलिटी या मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं है तो इवन 6 to 7 hours ऑल्सो सफिशेंट। अब जो हमारी नींद होती है, देखा ये गया है कि ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं रेंडम आई मूवमेंट स्लीप यानी REM स्लीप, और एक ही होती है नॉन रेंडम आई मूवमेंट स्लीप यानी नॉन REM स्लीप। इसमें यह होता है कि जो रेंडम आई मूवमेंट स्लीप होती है इसको यूजली जो है वो आम जुबान में शैलो स्लीप भी कहते हैं, सुपरफिशियल स्लीप भी कहते हैं, और जो नॉन रेंडम आई मूवमेंट स्लीप है उसको डीप स्लीप भी कहते हैं। अब जितने भी जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल नाइटमेयर्स या कोई ख्वाब आना जो है, या नींद के अंदर बोलना या आंखों का हरकत करना या थोड़ी सी देर के लिए आंखों का दरमियान में जो है वो ओपन अप हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं रेंडम आई मूवमेंट स्लीप के अंदर। लेकिन जो डीप स्लीप होती है या नॉन रेंडम आई मूवमेंट स्लीप होती है उसके अंदर प्रॉपरली जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दे आर बीइंग एक्सचेंज्ड अलोंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन, बेसिकली ये पाइनियल ग्लैंड होता है दिमाग के एक हिस्से में, वहाँ से निकलता है और ये डीप स्लीप को बेसिकली प्रमोट करता है। अब देखा ये गया है कि जिन लोगों का मेलाटोनिन लेवल कम होता है यानी उनको प्रॉपर डीप स्लीप नहीं आती है, उनके अंदर एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। एक स्टडी के अंदर ये पब्लिश हुआ, फिर इसके एक बड़े लेवल के ऊपर तकरीबन अराउंड 6000 वुमेन के अंदर स्टडी किया गया जो कि इनफर्टाइल थी, उनके मेलाटोनिन लेवल्स को भी स्टडी किया गया और उनकी फर्टिलिटी को भी स्टडी किया। तो देयर वॉज अ वीक एसोसिएशन बिटवीन द एब्रप्ट लेवल ऑफ मेलाटोनिन एंड एब्रप्ट स्लीप एंड सब फर्टिलिटी। तो लिहाजा मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया फॉर द फीमेल्स एज वेल एज फॉर द मेल्स, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर करते हैं और एज वेल एज आपकी फर्टिलिटी को बेहतर करते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर स्टडीज हुई उसके ऊपर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप जो है उसका फर्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पाया गया। यानी कि इवन IVF के पेशेंट्स के ऊपर जो है वो इम्प्लांटेशन के ऊपर स्टडी हुई ड्यूरेशन ऑफ स्लीप के ऊपर, तो दैट वाज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स। लेकिन वो पेशेंट जिनके मेलाटोनिन लेवल डिस्टर्ब्ड हैं या उनको अक्सर वो कहते हैं कि हम रात को सोए हों तो हम अपनी सराउंडिंग कंडीशन से अवेयर होते हैं, यानी उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो कम है, तो उनके अंदर एक क्वालिटी मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड पाई गई। तो लिहाजा उनके अंदर मेलाटोनिन की जो सप्लीमेंटेशन है उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए। तो लिहाजा इसमें बताने का मकसद ये है कि इट इज़ नॉट द ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप दैट मैटर्स, इट्स बेसिकली द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड हाउ मच यू स्लीप इन द नॉन रेंडमाइज्ड स्लीप, यानी डीप स्लीप के अंदर आप कितना होते हैं जो कि मेलाटोनिन डिपेंडेंट है वो मैटर करता है। अब मेलाटोनिन लेवल किन लोगों का ख़राब होता है, अब मेलाटोनिन आप सिंपल ये जान लें कि ये जो हार्मोन होता है ये लाइट से सप्रेस होता है और डार्कनेस से बढ़ जाता है। यानी अगर आप रात में भी आंखों के आगे मोबाइल रख के बैठे हैं तो आपका मेलाटोनिन सप्रेस होगा, क्योंकि आपकी जो फोटो रिसेप्टर्स हैं दे आर बीइंग एक्टिवेटेड, तो पाइनियल ग्लैंड को आपका रिदम नहीं जाएगा क्योंकि हमारा पाइनियल ग्लैंड सर्कैडियन रिदम के आगे कंट्रोल होता है। सर्कैडियन रिदम का मतलब ये होता है कि जब लाइट शट ऑफ होती है तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही दिन चढ़ता है और सूरज निकलता है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप आर्टिफिशियल ह्यूमन लाइट को एक्सपोज्ड होते हैं या आपकी
जो स्लीपिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है लाइट को, या अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, और या फिर वो लोग जो कि लेट 12-1 बजे तक जाके रहते हैं, उनके अंदर मेलाटोनिन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो मेलाटोनिन लेवल डिस्टर्ब होंगे तो डीप स्लीप डिस्टर्ब होगी, और अगर डीप स्लीप डिस्टर्ब होगी तो एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है। तो लिहाजा जो अपनी प्रॉपर स्लीप है 6-8 आवर्स, दैट शुड बी इन द डार्कनेस, और प्रेफरेबली नाइट डार्कनेस के अंदर होनी चाहिए। हमारे पास जो पेशेंट होते हैं दे आर नाइट वर्कर्स, तो उनके अंदर देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ लो मेलाटोनिन लेवल एंड देर इज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सब फर्टिलिटी। लेकिन एसोसिएशन किसके साथ है? क्वालिटी के साथ, नॉट विद द क्वांटिटी। जब तक आपका मेलाटोनिन हार्मोन ठीक है आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कि आप सोने से पहले चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ब्रेन अलर्ट रहता है, आंखों के आगे बहुत ज़्यादा रोशनी रखें सोने से पहले, या आपका सोने का पैटर्न इस तरह से हो कि आप दिन को सो रहे हैं रात को जाग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर हार्मोन मेलाटोनिन के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे न्यूरल सिस्टम है वहाँ पे कीमियाई तौर पे कनेक्टेड एक पूरा सिस्टम होता है जो कि हार्मोन से कनेक्टेड होता है, और एक हार्मोन हाईली डिपेंडेंट होता है दूसरे हार्मोन के ऊपर। अगर एक हार्मोन ख़राब है तो दूसरे हार्मोन के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा मेलाटोनिन हार्मोन जिनका नॉर्मल रेंज में पाया गया उनकी फर्टिलिटी वॉज सुपर गुड, और जिनकी मेलाटोनिन हार्मोन ख़राब था उनकी फर्टिलिटी ख़राब थी। तो लिहाजा आपने फोकस करना है अपनी डीप स्लीप के ऊपर, नॉट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप। आप 12 घंटे भी सोएं और डिस्टर्ब सोएंगे तो दैट वुड नॉट मैटर। और हमारा ह्यूमन बींग्स का स्लीप साइकिल जो होता है दिस इज ऑलमोस्ट ऑफ 90 सेकेंड, यानी 90 सेकेंड के बाद आपका एक साइकिल ख़त्म होता है और आपका अगला साइकिल शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आपने जब भी सोना है तो आपने कम अज़ कम 1.5, 3, 4.5 और इस तरह से करके 6 आवर्स का, यानी 90 मिनट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है उसके साथ सोने। आधे घंटे की नींद कोई नींद नहीं होती है, कम से कम नींद 1.5 घंटे की होती है जिसमें आपका पूरा साइकिल पूरा होता है और उसके अंदर आपका रैंडम और नॉन रैंडम स्लीप का पैटर्न पूरा होता है और उसके बाद आपका नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है। तो लिहाजा जब भी सोएं दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 1.5 आवर या 90 मिनट्स, ठीक है। और कभी भी जो किसी जो सोए हुए इंसान होते हैं और स्पेशली वो जब डीप स्लीप में सोया होता है उसको उठाने का तरीकाकार ये होता है कि आप उसके आगे जैसे लाइट ऑफ कर दें, कभी भी अब्रप्टली ना उठाएं। स्लीप का साइकिल अगर अब्रप्टली जो है वो ब्रेकन किया जाता है तो इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।